भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना आया लहंगा लखनऊआ 2 और जस्ट उसके एक दिन बाद आया चुनरी झलकौआ 2। अब इस गाने में कंपैरिजन होना तो लाजमी था और अब इस गाने का रिव्यू तो करेंगे साथ में, लेकिन हम आपको बता दें कि कितने गुस्से में हैं खेसारी के फैंस ने ठान लिया है कि रितेश के इस गाने को डिसलाइक की संख्या बढ़ानी ही बढ़ानी है। वैसे हम आपको बता दें कि खेसारी के फैंस का गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि रितेश पांडे अगर ये गाना लेकर आ ही रहे थे तो खेसारी के जस्ट तुरंत बाद लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। और फिर अगर गाना लेकर आ ही रहे थे और विवादों से आपको कोसों दूर रहना ही था रितेश साहब, खैर इन सब चीज़ों को आप साइड में रख लीजिए और चलिए गाने की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं, अगर आपने गाना नहीं देखा है तो आप जाके हम भोजपुरी पर देख लीजिए। इसमें नो डाउट दुश्मनी अलग तरह है, लेकिन यहाँ पर खेसारी लाल यादव के गाने से काफ़ी अच्छा गाना है, जबकि इसको फीमेल सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका ने ही गाया है। दोनों, चाहे वो खेसारी वाला गाना हो लहंगा लखनऊआ 2 और चाहे वो चुनरी झलकौआ 2 हो, दोनों को फीमेल सिंगर अंतरा सिंह ने ही गाया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि अंतरा सिंह का एफर्ट इस गाने में कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है और इस गाने के बोल खेसारी के गाने से अच्छे हैं। साथ ही वो गाना जो था वो ऐसा लग रहा था कि खेसारी का गाना ना हो के अंतरा सिंह प्रियंका का गाना है, इस तरह से प्रमोट किया गया लहंगा लखनऊआ 2 को। और यहाँ पर इस गाने को रितेश की जो इंट्री है वो बहुत बेजोड़ है, ऐसी इंट्री होनी चाहिए। और जिस तरह से रितेश डायलॉग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कुछ समथिंग अलग है, वो भी अच्छा लग रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गाने में जिस तरह से डांस मूव्स है, जिस तरह से जूनियर डांसर से डांस भी करवाया गया, वो भी बहुत अच्छा है। इस गाने में रितेश ने अंजना सिंह को एज अ लीड लिया है, और इससे पहले जो रितेश ने गाना गाया था तो उसमें उन्होंने अक्षरा सिंह को एज अ लीड हीरोइन लिया था। खेसारी लाल यादव को भी अपने साथ एटलीस्ट इस गाने में काजल राघवानी को रखना चाहिए था, और वो बहुत ही अच्छा लगता, लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छा हटके मिलता और ये गाना नो डाउट बहुत सुपर हिट जाता। खेसारी को ने थोड़ा सा, या खेसारी को जो टीम मेंबर हैं जो कुछ करते हैं उनको थोड़ी चीज़ें समझनी चाहिए किस तरह से काम करना है। साथ ही साथ जिस तरह के बोल खेसारी के लिए अखिलेश कश्यप ने लिखे, ताज्जुब की बात है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो अखिलेश कश्यप का गाना है। अपने लहंगा लखनऊआ गाने को बहुत बेहतरीन लिखा है, उस तरह से ये लग ही नहीं रहा था कि अखिलेश कश्यप का गाना है। खैर हम यहाँ पे वापस खेसारी लाल यादव को छोड़ते हैं और रितेश पांडे के गाने की तरफ आते हैं। तो पवन के फैंस जुट गए हैं रितेश के गाने को हिट बनाने को और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अगर आपने ये गानों के कमेंट पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कई पवन के फैंस हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गाने को। अच्छी बात है, एक दूसरे के गानों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पवन के फैंस इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि खेसारी के गाने को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें ये गाना जो है रितेश का, उन्हें खेसारी के गाने से और ज़बरदस्त बनाना है। खैर जो भी हो, लेकिन भला भोजपुरी इंडस्ट्री का ही हो रहा है जनाब, कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, गाली गलौज वाली कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने फिर हम कहेंगे गाना नहीं देखा है तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं एक बार तो देखिए, गाना बहुत बेहतरीन है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा किया गया है, डांस बहुत अच्छा किया गया है, और तो और अंजना और रितेश की जोड़ी समथिंग डिफरेंट लग रही है, ऑड लग रही है, ये बात अलग है, ऑड लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है, नो डाउट अच्छी जोड़ी है। अंजना और रितेश की जोड़ी नो डाउट थोड़ी ऑड लग रही है, लेकिन ठीक है, अच्छी है और इसे एक बार के लिए देखा जा सकता है। तो प्लीज़ वॉच द सॉन्ग भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।